कैसा फील कर रहा है एग्जीबिशन में आ जाए जेवीपीडी फ्री में? यार मैं सच में बताऊँ, दिस इज़ अ आई एम, अगर मैं ओल्ड फैशन की बात करूँ, यू नो, जैसे पहले हम छोटे थे तो मेले लगते थे ना, दशहरा मेला एंड दिस मेला एंड दैट, सो दे ऑलवेज यूज टू बी वेरी एक्साइटिंग. और अब चूंकि हम बड़े मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, मॉल्स और ये सब, शॉपिंग के लिए हम बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, बड़े आउटलेट्स में जाते हैं. बट आई सम हाउ फील दैट, यू नो, लाइक जैसे JVPD फ्ली है, इस तरह के जो फ्ली मार्केट्स होते हैं ना, दैट गिव्स अस द ओल्ड चार्म, जहाँ छोटे स्टॉल्स होते हैं और वैरायटी ऑफ वर्क होता है. यू नो, आपके पास कुछ खाने के आइटम्स भी हैं, कुछ डेकोरेटिव पीसेस भी हैं, स्टेशनरी आइटम्स भी हैं, एक्सेसरीज भी हैं डिफरेंट तरह की. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, संडेज को हों या वंस अ मंथ हों, ट्वाइस अ वीक हों, सॉरी वंस इन टू वीक्स हों, तो आई एम ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड बाय दिस काइंड ऑफ फ्ली मार्केट्स. सो उसका फूड कैसा था, सुरेश भाई, बॉय लंदन, ये सब मिक्स हो गई लोगों ने? यार मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू देवेंदु एंड सुरेश भाई, ऑन्टोज और बॉय लंदन जो हैं वो हमारी बॉम्बे जर्नी के हिस्सा रहे हैं. मतलब ये बड़ी आइकॉनिक जगहें हैं. जब भी मैंने जब एज एन एक्टर थोड़ा पैसा अर्न करना शुरू किया था, तो हम बियर पीने यहीं आते थे. मतलब सारे दोस्तों को पार्टी देना, मतलब ऑन्टोज जाना है. बॉय लंदन से बहुत टी शर्ट्स जीन्स खरीदते रहे हैं, बहुत बहुत टाइम तक शॉपिंग की है हमने. बट दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड मैनी कंग्रेचुलेशन टू देवेंदु एंड सुरेश भाई के. मुझे लगता है कि आगे भी ये लोग ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि इनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है. तो आई एम श्योर ये ऑन गोइंग प्रोसेस होगा. ये फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे सर, वेब सीरीज सुना है, बहुत सारी चीज़ों में आप देखने वाले? हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, तो यू नो कॉन्टेंट हैज चेंज सो मच. तो वेब सीरीज़ है, खाकी है, एक अभी सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड है जो Z5 पे है, खाकी नेटफ्लिक्स पे है, एक अभी मैं शूट कर रहा हूँ वो भी नेटफ्लिक्स पे है, वो एंड ऑफ दिस ईयर आएगी, तक तो उसकी शूटिंग ही चलेगी, तो मे बी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में शायद आएगी वो. तो देखते तो रहेंगे, आजकल सोशल मीडिया की वजह से सबको सब कुछ पता चल जाता है, दैट इज़ अ गुड पार्ट. ओके, थैंक यू.